नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जागरूकता के अभाव में लोग अपनी गड़ी कमाई को पल भर में ही गवा देते हैं, मगर साइबर पुलिस की सतर्कता से कई बार खोई हुई राशि वापस पीड़ित को मिल जाती है। कुछ ऐसा ही मामला राजधानी भोपाल में देखने को मिला। साइबर हेल्पलाइन का इस्तेमाल कर एक पीड़ित व्यक्ति ने रात 12 बजे भोपाल साइबर सेल से मदद मांगी। समस्या सुनने के बाद साइबर सेल ने तत्काल बैंक प्रबंधन के नोडल डेस्क से संपर्क किया। खाते से निकाली लगभग 3 लाख की राशि एक अन्य खाते में जमा हो गई थी, उसे फ्रीज करवाया। गुरुवार को दोनों बैंकों की रजामंदी और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर यह राशि वापस पीड़ित के खाते में जमा करवा दी। 24 घंटे के अंदर साइबर धोखाधड़ी के इस मामले में पीड़ित को सहायता पहुंचाई गई। डीसीपी साइबर क्राइम अमित कुमार सिंह ने बताया कि बोनस पॉइंट रिडीम करने के नाम पर फरीद जाकिर के मोबाइल पर मैसेज आया था। मैसेज को ओपन करने पर दिए गए प्रोसेस को पूरा करने के बाद वन टाइम पासवर्ड आया। इसे दर्ज करते ही खाते से अलग अलग हिस्सों में 3 लाख की राशि कटकर एक अन्य खाते में जमा होने लगी। इसकी शिकायत साइबर सेल की हेल्पलाइन नंबर 9479990636 पर दर्ज करवाई। उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह जाट, प्रधान आरक्षक कायनात खान, जसवंत सिंह, मोहित दास, नीतीश सिंह की टीम ने नोडल एजेंसी को ही धोखाधड़ी की जानकारी दी। दोनों बैंकों की आपसी सहमति से पूरी राशि पीड़ित के खाते में वापस जमा करवाई गई। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। दिनांक 28 को, इस माह के दिनांक 28 को रात्रि को हमारे पास साइबर हेल्पलाइन में एक फ़ोन आया, जिसमें बताया गया कि एक फरियादी हैं जिनने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, उनका परिवर्तित नाम जाकिर है। तो जाकिर जी का फ़ोन आया कि हमें क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट के नाम पे हमारे से जानकारी लेके लगभग 3 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर दी गई है। तो चूँकि समय से हमको सूचना मिली और हमारी जो हेल्पलाइन 24 घंटे कार्यरत है, साइबर हेल्पलाइन ने तुरंत उसको कार्रवाई चालू कर पैसे को फ्रीज करा के वापस रिफंड कराने के प्रक्रिया है, जिसमें उनके पूरे 3 लाख रुपए वापस हो गए। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।